हेलो प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम इससे पहले जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसमें हमने एल्किल हैलाइड की हमने बात की थी। एल्किल हैलाइड के लिए हमने निर्माण की विधियाँ, उनकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, उनके भौतिक गुणों के बारे में हमने बात की थी। मोनो एल्किल हैलाइड की हम इसमें पढ़ाई कर चुके हैं, स्टडी हम इसमें कर चुके हैं। अगला टॉपिक हमारे लिए रहेगा डाई हेलोजन व्युत्पन्न। अब प्यारे बच्चों, डाई हेलोजन व्युत्पन्न में हमें समझना ये है कि कौन कौन से डाई हेलाइड होते हैं, डाई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ना हम नंबर एक की बात करते हैं। एक है सबसे पहले जेम डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले नंबर एक होता है जेम डाई हेलाइड। नंबर सेकेंड की बात करें तो ये होता है बिस डाई हेलाइड। और नंबर थर्ड की बात करें तो ये होता है नंबर वन जेम, नंबर दो बिस और नंबर तीन एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। इस प्रकार से हम तीन प्रकार के डाई हेलाइडों की स्टडी करेंगे आज इस टॉपिक के अंदर। पहले बच्चों, जेम डाई हेलाइड जो होता है वो हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा CH3। एग्जाम्पल हम इसमें लिखे, जैसे सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें लिखते हैं CH3। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट CH3, CHCl एंड Cl। एग्जाम्पल नंबर टू CH3, CCl, Cl एंड CH3। ये दो एग्जाम्पल लिखे हमने। बिस डाई हेलाइड के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट CH2Cl एंड CH2Cl। एग्जाम्पल नंबर टू इसमें लिखता हूँ CH3, CHCl एंड CH2Cl। बिस डाई हेलाइड एंड एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड के लिए एग्जाम्पल लिखता हूँ CH2CH2Cl, CH2CH2Cl। ये एग्जाम्पल हम इसमें लिखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं जेम डाई हेलाइड की, तो जेम डाई हेलाइड की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? देखिए परिभाषा हम देंगे, एग्जाम्पल को आप देखिए अच्छे से। यदि एक कार्बन परमाणु से दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, यदि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो ऐसे डाई हेलाइड क्या कहलाते हैं? जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं। जैसे इस कार्बन को हम देखें, इस कार्बन के साथ भी कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए, तो ये क्या कहलाएंगे? जेम डाई हेलाइड ये कहलाएंगे। तो जेम डाई हेलाइड की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? यदि दोनों हेलोजन परमाणु किसी एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के डाई हेलाइड जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बिस डाई हेलाइड की। तो बिस डाई हेलाइड में हम देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु जो है वो कितने हैं? दो कार्बन परमाणु हैं और दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं दोनों जो हेलोजन परमाणु हैं वो दोनों अलग अलग हेलोजन परमाणु, दोनों अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो बिस डाई हेलाइड की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? यदि हेलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के डाई हेलाइड बिस डाई हेलाइड कहलाते हैं। निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर यदि हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बिस डाई हेलाइड कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। यदि इसके लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन है कार्बन परमाणु की संख्या तीन से अधिक हो। एक स्पेसिफिक कंडीशन इसमें हमने लगा दिया कि कार्बन परमाणु की संख्या कितने से अधिक होनी चाहिए? तीन से अधिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो डाई हेलाइड है 1,2,3,4, 1,4-डाई क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम है। 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेड हम इसके एग्जाम्पल ले रहे हैं। और ये चार कार्बन परमाणु हैं, प्रथम कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु पर क्या जुड़े होते हैं? हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। इस प्रकार के डाइहेलाइड क्या कहला रहे हैं? एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड के नाम से इनको जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, तीनों की हमने परिभाषा दे दी है। जेम डाइहेलाइड क्या होते हैं, बिस क्या होते हैं और एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड क्या होते हैं। ठीक है, जेम का मतलब किसी एक कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, बिस का मतलब
निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, और अल्फा ओमेगा मतलब प्रथम और अंतिम कार्बन परमाणु पर क्या जुड़े हो, हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के डाइहेलाइड क्या कहलाएंगे, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमने ने जो है तीनों प्रकारों के बारे में हमने बात की है, जेम और बिस डाइहेलाइडों के प्रकारों के बारे में हमने बात की। इसके बाद हम इसके निर्माण की विधियां पढ़ते हैं कि इनका निर्माण कैसे किया जाता है डाइहेलोजन व्युत्पन्नों का, तो उसकी हम बात करते हैं। डाइहेलोजन व्युत्पन्नों के निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइहेलाइड, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइहेलाइड मतलब निर्माण की विधियां। अब निर्माण की विधियों में हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर एक जेम डाइहेलाइड की। जेम डाइहेलाइड, इस जेम डाइहेलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जेम डाइहेलाइड का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे हमने इसमें सबसे पहले लिया है कि इसका निर्माण हम कौन से कंपाउंड से कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम इसका निर्माण कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने लिया एल्काइन से, नंबर फर्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं एल्काइन से, एल्काइन से इसका निर्माण किया जा सकता है, एल्काइन से निर्माण किया जा सकता है। जैसे हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लिया हमने प्यारे बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH की अभिक्रिया हम करा देते हैं HCl के साथ में, किसके साथ कराई है हमने, HCl के साथ में रिएक्शन कराई है। ये एथाइन दिया हमने और एथाइन की अभिक्रिया HCl के साथ करा दी है। HCl कितने लेते हैं, 2HCl ले लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन इसमें देखने पर। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें CH3CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसकी रिएक्शन भी 2HCl से कराते हैं। पहले बच्चों आप देखते हो ट्रिपल बॉन्ड द्विबंध और त्रिबंध युक्त यौगिक मार्कोनिक ऑफ नियम से अभिक्रिया करते हैं या फिर एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम से अभिक्रिया करते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई परोक्साइड इफेक्ट नहीं है और यहाँ पर समान संख्या में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो यहाँ जो H प्लस और Cl माइनस है, इन दोनों कार्बन में आप दोनों ही कार्बन में किसी भी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन और अन्य कार्बन से क्या जोड़ सकते हो, Cl, क्योंकि समान संख्या में हाइड्रोजन और कार्बन है। तो यहाँ मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम लागू नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें से हाइड्रोजन मानो कि हमने जोड़ दिया, हाइड्रोजन जो परमाणु है वो इसके ऊपर हमने जोड़ दिया, इस कार्बन के ऊपर जो Cl जो थे वो हमने इस कार्बन के ऊपर जोड़ दिए। तो हम इसमें देखते हैं CH Cl Cl और यहाँ पर क्या बन गया CH3 बन गया, मतलब उत्पाद क्या बना हमारा, 1,1-dichloro-1,1-dichloroethane का निर्माण हो गया। 1,1-dichloroethane मतलब कौन सा डाइहेलाइड बना, जेम डाइहेलाइड का निर्माण हो गया, क्योंकि एक कार्बन परमाणु पर कितने हेलोजन परमाणु हैं, 2 हेलोजन परमाणु हैं। इसके बाद सेकेंड अभिक्रिया की हम बात करते हैं, इसमें आप देखोगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH+2HCl, इसमें कौन सा नियम लागू होता है, आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है, इसमें नियम लागू होता है मार्कोनिक ऑफ नियम, क्योंकि कार्बन और दूसरा जो कार्बन है जिसमें त्रिबंध उपस्थित है उसमें हाइड्रोजन की संख्या असमान है दोनों में, तो यहाँ मार्कोनिक ऑफ नियम लागू होता है। यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस किसके साथ ऐड करेंगे, मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार धनात्मक भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ पर पहले से अधिक संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ऋणात्मक भाग इस नियम के अनुसार वहाँ जाकर जुड़ता है जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है, यह मार्कोनिक ऑफ नियम होता है। इस नियम के अनुसार ये अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है, मतलब Cl जो थे हमने कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम संख्या में उसके साथ जोड़ दिए हमने, तो हमारा उत्पाद क्या बना, ClCl, इसके बाद में 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जोड़ दिए तो ये क्या आ गया, CH3 आ गया, मतलब हमारा उत्पाद क्या बना, कार्बन की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, दूसरे कार्बन पर कितने क्लोरीन है, 2 हैं, तो 2,2-dichloropropane का निर्माण हो गया।
मतलब ये जो 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन का निर्माण हुआ है ये कौन सा डाइहेलाइड है? जेम डाइहेलाइड है, क्योंकि एक कार्बन परमाणु पर कितने हेलोजन परमाणु हैं? 2 हेलोजन परमाणु हैं, इस कारण से जेम डाइहेलाइड का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम इसके निर्माण की दूसरी विधि पढ़ते हैं। नंबर बी, एल्काइन से हमने निर्माण कर लिया। दूसरा है कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। प्यारे बच्चों कार्बोनिल यौगिकों से हम निर्माण करते हैं किसका? जेम डाइहेलाइड का। तो प्यारे बच्चों देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कार्बोनिल यौगिक फॉर्मल्डिहाइड HCHO, दूसरा CH3CHO, और तीसरा एग्जांपल कौन सा लिया जाता है बताइए? तीसरा एग्जांपल हम कौन सा लेंगे? एसीटेल्डिहाइड दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एसीटोन का एग्जाम्पल हम इसमें ले लेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे फर्स्ट हम HCHO फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ में? PCl5 के साथ में, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, एसीटोन की एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ? PCl5 के साथ में। जैसे फर्स्ट रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं, फर्स्ट रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ। रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है 11th क्लास में इसमें, और देखते हैं। देखो इसको लिखने का हम मेथड इस प्रकार से लिख लेते हैं, PCl, Cl, Cl, Cl और Cl PCl5। इस प्रकार से हम बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग किस प्रकार से करेंगे? इसमें जो है वो हम ये दो बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, और दो बॉन्ड ब्रेक करके जैसे इसमें से हमने क्या किया है, ये दो बॉन्ड इसमें से ब्रेक किए हैं, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिए, क्या निकाल दिया इसमें से? POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बच गया? ये 2 Cl। यहाँ से दो बंद टूटने पर ये दोनों के दोनों Cl परमाणु किसके साथ? इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब हमारा उत्पाद क्या बन जाएगा? HHCClCl, मतलब मेथिलीन क्लोराइड। क्या बन गया? मेथिलीन क्लोराइड। और इस मेथिलीन क्लोराइड में आप देखते हो कि इसमें कार्बन परमाणु से कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए, मतलब क्या हो गया? जेम डाइहेलाइड हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों सेकेंड जो अभिक्रिया हमने लिखी है CH3CHO एसीटाइल्डिहाइड की अभिक्रिया हम PCl5 के साथ करने जा रहे हैं। PCl5 के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे, इसमें से भी क्या निकल जाएगा? एज इट इज इसकी भांति इसमें भी क्या निकल जाएगा? POCl3। POCl3 निकल के अभिक्रिया में उत्पाद क्या बन जाएगा? वो ही CH3HCl एंड Cl। इसमें देखोगे CH3 और H है, इसमें क्या थे? H और S थे। इसमें CH3H है, CH3H लगा दिए, और क्या निकाल दिया? POCl3। जो 2 Cl बचे वो इस कार्बन से जोड़ देते हैं, और उत्पाद हमारा क्या बन गया? 1,1-डाइक्लोरोएथेन का निर्माण इसमें हो जाता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमने सेकेंड मेथड इसमें पढ़ी है कार्बोनिल यौगिकों से। इसमें एक रिएक्शन और हम कर सकते हैं, एसीटोन से रिएक्शन। ठीक है, एसीटोन से रिएक्शन आपको करनी है, और इसमें देखो एसीटोन से रिएक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी अभी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अरे बच्चों ये दो रिएक्शन आपने अभी अभी देखी हैं, अब तीसरी जो रिएक्शन है उसको आपको कंप्लीट करना है। तीसरी रिएक्शन नंबर थर्ड रिएक्शन थी एसीटोन के साथ रिएक्शन। एसीटोन के साथ रिएक्शन है इसकी PCl5 की, और ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। पहले बच्चों कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर आपको देना है। कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करके उसका आंसर जानने का प्रयास करना है। इसके बाद हम आगे हम देखो प्यारे बच्चों ये हमने जेम डाइहेलाइड कंप्लीट कर लिया है। जेम डाइहेलाइड की 2 विधियां थी, उन 2 विधियों के बारे में हमने बात की है। एक हमने एल्काइन से किया है, एक कार्बोनिल यौगिकों से किया है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, नंबर सेकंड जो है कंपाउंड हमारे लिए जेम के बाद में बिस डाइहेलाइड। इस बिस डाइहेलाइड के बारे में बात करते हैं। तो बिस डाइहेलाइड के लिए निर्माण की विधि हम कौन से पढ़ेंगे? देखिए प्यारे बच्चों निर्माण की विधि बिस डाइहेलाइड के लिए नंबर फर्स्ट होती है एल्केनों से। तो एल्केनों से निर्माण हम करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे एल्केन हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3
एक एथेन ले लिया हमने, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं Cl2 के साथ में, और ये अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में इसको हम संपन्न करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखोगे आप इसमें कि दो हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, यहां से हम 2Cl2 ले लेते हैं, कितने Cl2 ले लेंगे, 2Cl2 ले लेंगे। दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है किसके द्वारा, 2Cl के द्वारा, और 2Cl के द्वारा प्रतिस्थापन होकर के क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल HCl के, और क्या बन जाता है, जहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन होता है Cl परमाणु के द्वारा, वहां पर ये Cl परमाणु एड हो जाते हैं, उत्पाद क्या बन गया हमारे पास में, 1,2-dichloroethane, 1,2-dichloroethane। इसमें आप देखोगे दोनों हेलोजन परमाणु हैं, और दो हेलोजन परमाणु जो होते हैं वह निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, मतलब ये कौन सा है, 20-dihalide का निर्माण हमने कर लिया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड जो रिएक्शन है हमारी, एल्केनों से निर्माण करने के बाद में हम किससे निर्माण करते हैं, तो आप देखोगे इसमें हम इसमें आगे निर्माण करते हैं ग्लाइकोल से, किससे निर्माण कर रहे हैं, ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल से हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्लाइकोल से निर्माण करते हैं फिर एल्केनों के बाद में, तो ग्लाइकोल का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है, CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन हम करते हैं PCl5 के साथ में, कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल PCl5 के लेंगे। तो प्यारे बच्चों PCl5 के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, और इसमें हम किस प्रकार से इसमें बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं वो देखिए, 2 PCl5 हैं, ये हमने P लिख दिया, Cl और Cl इस प्रकार से हमने लिखा, PCl5 एक Cl, PCl5 को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, और ये टोटल 2 मॉलिक्यूल हम PCl5 के लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमें बॉन्ड डिसोसिएट करना है, इस प्रकार से हम बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, इसमें भी हम इस प्रकार से ही बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बॉन्ड्स का डिसोसिएशन करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या निकल जाता है, POCl3, दोनों में ही कितने हैं, ये POCl3 कितने मॉलिक्यूल निकाल दिए, POCl3 के 2 निकाल दिए, और क्या बच जाता है हमारे पास में, CH2Cl and CH2Cl। ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल 10 क्लोरीन थे, 6 निकाल दिए, 2 क्लोरीन ऐड हो गए, बचे 2 क्लोरीन और 2 H हाइड्रोजन, तो क्या निकाल देते हैं, 2 मॉलिक्यूल HCl के और इसमें निकाल देते हैं। तो पहले बच्चों इस प्रकार से हम 20 डाइहेलाइड का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर तीन की, नंबर फर्स्ट सेकेंड मेथड कंप्लीट होगी 20 डाइहेलाइड की, नंबर तीसरा जो हम डाइहेलाइड पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, और एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड के लिए निर्माण की केवल एक विधि है, और उस विधि में हम क्या लेते हैं, CH2CH2CWAG, मतलब एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं, कौन सा लवण लेते हैं, सिल्वर लवण लेते हैं, एडीपी कम का प्यारे बच्चों सिल्वर लवण लिया जाता है, और इसमें हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, Br2 के साथ, ब्रोमीन जल के साथ, ये अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में होती है। आप जानते हो कि यदि Br2 ब्रोमीन जल के साथ CCl4 की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हुंसडीकरण अभिक्रिया, मतलब ये है एक नेम रिएक्शन, कौन सी अभिक्रिया है, हुंसडीकरण अभिक्रिया, और हुंसडीकरण अभिक्रिया है इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, ये हुंसडीकरण अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। और इसमें हम देखते हैं इस प्रकार से हम बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, HBr निकल जाएगा यहाँ से, और प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं एक और HBr को बाहर निकाल देते हैं, HBr कितने निकल गए, 2 मॉलिक्यूल HBr के, इसमें से हम डिसोसिएट कर देते हैं, क्या बचाता है हमारे पास में, 2CO2 मॉलिक्यूल, फिर डिसोसिएट कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर, फिर क्या बच जाते हैं, यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं Br2 के, टोटल Br कितने हो गए, 4, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, बच गए 2 जो किसके साथ जुड़ते हैं, CH2CH2 के साथ, मतलब उत्पाद क्या बन गया, CH2CH2Br, मतलब 1,4-dibromo
वन फोर डाइब्रोमो ब्यूटेन, वन फोर डाइब्रोमो ब्यूटेन का निर्माण हमने कर लिया, जो कि कौन सा डाइहेलाइड है, अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड है। इस प्रकार से पहले बच्चों हम निर्माण कर लेते हैं टोटल पूरे के पूरे तीनों प्रकार के हेलाइड, जेम बिस और हम तीसरे पारे की बात कर रहे हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। तो इस प्रकार से हमने तीनों का निर्माण कर लिया है। फिर पहले बच्चों हमने इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं डाइहेलोजन व्युत्पन्न में निर्माण की विधियां, हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट स्टडी हमने कर ली है इसकी। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों डाइहेलोजन व्युत्पन्न में अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण में देखो पहला भौतिक गुण हम इसमें पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, भौतिक गुण डाइहेलोजन व्युत्पन्नों के, यह जल से भारी होते हैं, जल से भारी होते हैं। और दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे इसमें, यह रंगहीन होते हैं। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, यह जल में अविलेय होते हैं। चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, यह कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। इस प्रकार से ये इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, मेनली ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जल से भारी होते हैं, रंगहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे CCl4, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे बेंजीन, इस प्रकार से ये कार्बनिक विलायक होते हैं जिसमें ये विलेय हो जाते हैं। ये हमने डाइहेलोजन व्युत्पन्नों का अगला टॉपिक भौतिक गुण इसमें स्टडी की है। इसके बाद देखिए पहले बच्चों अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में हम बात करेंगे। रासायनिक गुण में प्यारे बच्चों सबसे पहला रासायनिक गुण हम इसमें पढ़ रहे हैं, नंबर फर्स्ट रासायनिक गुण हम इसमें पढ़ेंगे, और पहला रासायनिक गुण कौन सा है, जल अपघटन, जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलाइसिस। और जल अपघटन में प्यारे बच्चों हम इसमें रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले हमने ले लिया जैसे ये कौन सा डाइहेलाइड है, जेम डाइहेलाइड, दूसरा हम इसमें ले लेते हैं CH3, CCl, Cl और CH3, ये कौन सा डाइहेलाइड है, जेम डाइहेलाइड, क्यों, क्योंकि एक कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं इसमें CH2Cl एंड CH2Cl, ये कौन सा है, बिस डाइहेलाइड, ठीक है। इस प्रकार से तीनों डाइहेलाइड लेते, दोनों डाइहेलाइड लेते हैं, जेम और बिस, जेम डाइहेलाइड ये दोनों हो गए और ये बिस डाइहेलाइड हो गया, क्योंकि निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर क्या जुड़े हुए होते हैं, हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें जल अपघटन हम करें तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एक प्लस KOH के साथ में इसकी रिएक्शन करते हैं, और इसमें हम जानते हैं 2KOH मॉलिक्यूल लेते हैं सभी अभिक्रियाओं में, और फिर हम इसका जल अपघटन करते हैं, क्षारीय जल अपघटन करते हैं, क्योंकि KOH यहाँ पर लिया गया है और ये एक्वस KOH हम यहाँ पे लेते हैं, सभी में एक्वस KOH इसमें लिया जाता है। अब देखिए पोटेशियम 2 मॉलिक्यूल और Cl है हमारे पास में, इस प्रकार से हम क्या निकाल देंगे इसमें से, कैसीएल, ठीक है। और यहाँ से Cl कितने हैं, 2, और पोटेशियम कितने हैं, 2, यहाँ भी 2KCl निकल जाएगा, और यहाँ पे 2K और 2Cl, मीन सभी रिएक्शन में 2KCl इसमें से बाहर हम निकाल देंगे, 2KCl बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जो OH है हाइड्रोक्साइड है, Cl परमाणु निकलने पर उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो बात क्या बन जाएगा हमारे पास में, CH3CH OH OH, और इसमें क्या बन जाएगा, CH3COH OH CH3, और इसमें क्या है बन जाएगा, CH2OH एंड CH2OH, इस प्रकार से हम उत्पाद बनेंगे। अब देखिए ये जो उत्पाद है ये तो एथिलीन ग्लाइकोल बन गया हमारे पास में, क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण इसमें हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल। और इसमें जो उत्पाद बन रहा है ये क्या बन रहा है, मध्यवर्ती उत्पाद बन रहा है जो कि अस्थायी होता है, इसमें से क्या अस्थायी उत्पाद बनता है, ये
अस्थाई होता है, अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी समूह है, ये भी क्या है, अस्थाई होता है, एक कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, ये अस्थाई होते हैं, इसमें से हम बाहर निकाल देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से हम क्या निकाल देंगे, H2O, इसमें से भी क्या निकाल देंगे, हम H2O निकाल देंगे बाहर। H2O इसको हीट करने पर इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल को इसमें से बाहर निकाल दिया, अनस्टेबल होते हैं ये, और ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, वाटर को इसमें से डीकम्पोज कर देते हैं। इसके बाद उत्पाद हमारे पास में क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, CH3 CO मतलब एसिटेल्डिहाइड का निर्माण हो गया। इसमें हम देखते हैं H2 निकलने के बाद में CH3 मतलब एसीटोन का निर्माण इसमें हो जाता है। इसके बाद इसमें लास्ट रिएक्शन किसका उत्पाद बना, एथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण इस लास्ट अभिक्रिया में हो जाता है। तो ये प्यारे बच्चों कौन सी अभिक्रिया हमने पढ़ी है, जल अपघटन, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जल अपघटन के बाद में हमारी सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है वो हम इसमें पढ़ेंगे, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हम इसमें पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण में हम रिएक्शन लिखते हैं कि इसकी हम रिएक्शन करेंगे, तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण में हम लेते हैं CH3 CHCl NCl, एंड दूसरा हम ले लेते हैं CH2 Cl, मतलब जेम और बीस डाइहेलाइड हम लेते हैं। और वी हाइड्रो हेलोजनीकरण मतलब है इसमें, और अभिक्रिया हम करते हैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में करते हैं, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करते हैं। तो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एज ए कैटलिस्ट उपयोग में लेते हैं KOH को, और इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। नाम को समझिए आप, वी का मतलब निकलना बाहर, और हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का बाहर निकलना, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, दो, यहाँ से सीएल कितने निकलेंगे, दो निकल जाएंगे। तो दो बंद का यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, 2HCl निकल रहे हैं, दो हाइड्रोजन दो सीएल, दो बंद टूट रहे हैं प्यारे बच्चों, दो बंदों का डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ दो नए बंदों का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्पाद हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH, मतलब एथाइन का निर्माण हो जाता है, एथाइन का निर्माण हो जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें से देखें, दूसरी रिएक्शन में एक एक हाइड्रोजन परमाणु को हम बाहर निकाल देते हैं, एक एक हाइड्रोजन परमाणु को यहाँ से बाहर निकालते हैं, और Cl एक एक बाहर इसमें से निकल जाता है, और वो ही इसमें 2HCl बाहर निकल जाएगा, और एक एक बंधों का डिसोसिएशन हो रहा है, एक एक बंधों का अपघटन हो रहा है, एक नया बंध का निर्माण हो जाएगा, उत्पाद बन जाएगा CH2 मतलब एथीन का निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ पर जेम और बीस डाइहेलाइड एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एथाइन व एथीन का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नंबर 3, वी हेलोजनीकरण। और इस नाम से स्पष्ट हो रहा है, वी हेलोजनीकरण से वी का मतलब निकलना, हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजनों का, किसका बाहर निकलना, हेलोजनों का। वी हेलोजनीकरण मतलब हेलोजनों का बाहर निकलना। तो हेलोजनों को हम बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे फर्स्ट रिएक्शन की, तो CH3 CH Cl वही हमने ले लिया जेम डाइहेलाइड। इसके बाद हम क्या लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं CH2 Cl, ये हमने ले लिया बीस डाइहेलाइड। और तीसरा एग्जांपल लेते हैं CH2 Cl, ये कौन सा ले लिया हमने, एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। तो ये जेम ले लिया हमने, और ये कौन सा ले लिया, ये बीस ले लिया हमने, और ये कौन सा ले लिया, अल्फा ओमेगा ले लिया हमने। तो जेन बीस और अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड लेते हैं, और इनकी अभिक्रिया हम कराते हैं जिंक के साथ में, किसके साथ करा रहे हैं,
जिंक के साथ में करा रहे हैं, ओके। और इसमें भी हम किसके साथ में, जिंक धातु के साथ में करा रहे हैं, इसके साथ भी किसके साथ में, जिंक धातु के साथ करा रहे हैं। इसमें सेकेंड मॉलिक्यूल, टोटल दो मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है किसमें, जेम डाई हैलाइडों में। तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, Cl Cl CH CH3, मतलब वही जेम डाई हैलाइड हम ले लेते हैं, जेम डाई हैलाइड। और जेम डाई हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, जिंक के भी कितने ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। और इसी प्रकार से सेकेंड रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं बीस डाई हैलाइड और जिंक धातु एक लेते हैं। थर्ड में भी क्या लेते हैं, जिंक धातु एक और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड एक लेते हैं। अब अभिक्रिया को संपन्न करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम क्या निकाल देंगे, इसमें से जिंक दो है, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस दो होती है, Cl के साथ जुड़ करके क्या निकाल देगा, ZnCl2। उत्पाद क्या निकल गया, 2ZnCl2, 2ZnCl2 निकलने के बाद क्या बचता हमारे पास में, CH3CH CH3, मतलब उत्पाद क्या बन। प्यारे बच्चों इसमें आगे देखिए, इस रिएक्शन में हम निर्माण कर चुके हैं जेडन और सीएल। देखिए जेडन के दो परमाणु हैं, सीएल इसमें चार है, जेडन सीएल टू हमने इसमें से बाहर निकाल दिया और हमारे पास जो उत्पाद बनता है वो बनता है CH3CH CH CH3, मतलब 2-butene का निर्माण हमारे पास में हो जाता है। इसके बाद आगे देखिए जेडन और इसमें दो सीएल 20 डाई हैलाइड हम लेते हैं, इसमें से भी हम क्या निकाल देते हैं बाहर, ZnCl2 इसमें से हम बाहर निकाल देते हैं, ZnCl2 इसमें से बाहर निकाल देते हैं। और क्या उत्पाद बचता हमारे पास में, एक बंद इसमें और निर्माण हो जाता है, इसमें ClCl के एक एक बंद का इसमें डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन होता है, टूट जाते हैं और एक बंद इसमें और बन जाता है, मतलब एथीन का निर्माण इस अभिक्रिया में होता है। लास्ट अभिक्रिया में हम देख रहे हैं जिंक और दो Cl, मतलब इसमें से भी क्या निकल जाता है, ZnCl2, और उत्पाद क्या बनता है, यहाँ पर दो Cl निकल जाएंगे और एक बंद का और निर्माण हो जाएगा, मतलब CH2Cl CH2CH2CH2 एंड CH2, मतलब साइक्लोब्यूटेन का निर्माण इस अभिक्रिया में होता है, साइक्लोब्यूटेन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने पूरी स्टडी कर ली है इस टॉपिक की, इसमें हमने डाई हैलोजन व्युत्पन्न में हमने स्टडी की है, इसके परिभाषा के बारे में, इसके निर्माण विधियों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने इसमें बात की है। आप YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान भाई आरके कुमाऊँ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हो, और अच्छे से इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।